हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू के एम अकेडमी यूट्यूब चैनल तो देखते हैं देखो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है बर्च रिडक्शन का उसको हम डिस्कस करेंगे अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो भी देखेंगे पहले जल्द जल्दी से आप लोग सब लोग शेयर करो भाई जल्दी से शेयर करो सेशन को जल्दी से शेयर करो आप लोग शेयर करो सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस टेलीग्राम चैनल सब जगह पर आपको फैला देना है मैं भी शेयर कर रहा हूँ आप भी शेयर करो जल्दी से ऐसे कैसे चलेगा अरे बोलो ऐसे कैसे चलेगा ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा भाई तो शेयर जरूर करना है सब लोगों को इमीडिएटली जल्दी से यहां मत देखो जल्दी से शेयर करो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो जल्दी से जल्दी से लाइक करो जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी से लाइक करो जल्दी से जल्दी से लाइक करो भाई चलो ठीक है देखो स्टार्ट करते हैं ठोको बिल्कुल लाइक ठोकना है करना है

सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन में हम पढ़ रहे हैं आपका इस तरह से हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पहला हमने पढ़ा था पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा था <coughs> बोलो पहला पॉइंट हमने क्या कौन सा पढ़ा था तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था आपका अल आपके 1 3 ब्यूटाडाइन जो कंजुगेटेड एल्कीन होगा कंजुगेटेड एल्कीन का रिडक्शन करेगा आपका

इसमें आगे एक्सेस में अगेन रिएक्शन करोगे थ्री में तो आपका अगेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऐसे इसका भी रिडक्शन हो जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या है कीटोन का भी ये रिडक्शन करता है आपके वन थ्री का भी रिडक्शन ये करता है ठीक है अरे क्या हुआ भाई जनता कहा है जनता कहा गई जनता जब एग्जाम आएगी ना तब फिर नींद खुलेगी जब एग्जाम आएगी ना तब फिर नींद खुलेगी अचानक से देखो थ्री नंबर देखो थ्री नंबर हमने देखा था कि आप क्या एरोमेटिक कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो है इस तरह से होगा इसमें आप एनेच थ्री एड करोगे एने एनेच थ्री एड करोगे आपके कंपाउंड में आर ओ के साथ अल्कोहल के साथ तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा वन फोर एक्साइन फॉर्मेशन वन थ्री एक्साइन फॉर्मेशन हो जाएगा वन थ्री एक्साइन फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है तो ये हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे बर्च रिडक्शन हम पढ़ रहे थे बर्च रिडक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्शन होता है इसमें अगर आप एन एन करोगे अरे बोलो भाई इसमें स्त्री आर ओ एच प्रोटोन सोर्स के साथ तो इसमें कंपाउंड बन जाता है ये तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है ये जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड से आपका कन्वर्ट हो जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ बेंजिन इट इज अ पार्शियल रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता कंप्लीट रिडक्शन के लिए आपको कंप्लीट रिडक्शन के टाइम के आपको क्या करना पड़ता है आपको कंप्लीट रिडक्शन के लिए हाइड्रो hydro, हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है अलग अलग तरीके से आप मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे कैसे करना होता है तो इसमें हो क्या रहा था हमने देखा कि इसमें वन थ्री इसमें हमने देखा कि यहां पर अगर आप एक सब्सटिट्यूएंट लगा दोगे इसमें अगर आप एक सब्सटिट्यूएंट लगा दोगे इसमें अगर आप एनेटिट्यूएंट लगा, लगा दोगे तो इसमें आर ओ एच के साथ तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा आपके कंपाउंड में बनेगा दो अलग अलग टाइप के सब्सटूडेंट बन सकते हैं ऐसे भी बन सकता है कॉन्जुकेटेड हो सकता है एक्स के साथ अदरवाइज नॉन कॉन्जुकेटेड हो सकता है एक्स के साथ अदरवाइज नॉन हो सकता है के साथ तो कॉन्जुकेटेड अगर होगा तो ये एक्स ग्रुप जो होगा ये क्या होगा कॉन्जुकेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे एक्स ग्रुप आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा क्या होगा अगर एक्स आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ एक्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो आपका क्या होगा इस तरह से जो एक्स के साथ कॉन्जुकेशन में नहीं रहेगा एक्स के साथ कॉन्जुकेशन में नहीं रहेगा ये क्या होगा इसे क्या कहेंगे बिल्कुल सही तृप्ति इसे पार्शियल रिडक्शन कहा जाएगा क्या कहा जाएगा पार्शियल रिडक्शन कहा जाएगा ठीक है तो ये बात यहां पे है अब देखते देखो इसमें हमने एग्जांपल देखे थे अलग अलग टाइप के एग्जांपल देखे थे इसमें मैंने बताया था अलग अलग ग्रुप्स होंगे तो इसमें हमने क्या किया था इसमें हमने देखा था आपका ओ OH, एच आपका, आपका हमने देखा था सी ओ भी देखा था तो सी ओ टूटी यहाँ पे ध्यान रखना कि ये इसमें भी दिखाता दिखा है कुछ टाइम यहां पे भी दिखाता है कुछ केसेस में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे अवेलेबल है जिसमें ये प्रोडक्ट मिलता है कुछ केसेस ऐसे अवेलेबल है जिसमें ये प्रोडक्ट मिलता है तो ये सी ओ टूटी जो है वो अलग हम रखेंगे इसको क्या करेंगे मिक्स रखेंगे ठीक है यहां पे हमने क्या कहा था इसमें हमने कहा था सीओ टू एच और सीओ टू एन एच टू क्या होगा आपका यहां आएगा इस तरह से तो ये क्या होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे गुड इवनिंग सूरज ये क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वक्त क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा तो ये हमने डिस्कस किया था इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके कंपाउंड में अगर बन जाता है जैसे कि आपके कंपाउंड में दे सकता है ऐसे यहां पे सी एच पे आपका डबल बॉन्ड यहां पे आपका डबल बॉन्ड ऐसे आ सकता है तो ओ सीएच अगर ऐसे आएगा तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा इसमें कंपाउंड क्या बनेगा तो इसमें कंपाउंड आपका बनेगा अगर इथर आ गया आपका यहां पे तो इथर अगर आ गया तो इसमें आप एच प्लस एड करोगे एच प्लस में हम दो कैटेगरी के, एक तो माइल्ड माइल्ड में क्या कहा था CO2H टूच टिकसिड और सीओ टू एच सी ओ टू तो इसमें क्या होगा ये दो कैटेगरीज हमने किए थे दो में हमने क्या किया था आपको प्रोडक्ट बनाया था ये ऐसे अगर माइल्ड होगा तो आपका यहाँ पे कीटोन तो बनेगा H प्लस के साथ H2O देना जरूरी है एच टू यहां पे होगा अगर माइल्ड होगा तो यच टू से आपका कंपाउंड बनेगा ये होता है अल्फा ये होता है बीटा ये होता है ग्यामा बीटा ग्यामा अनसेड कीटोन बनेगा बट बट अगर आपको बट अगर आपको यहां पे अगर दे दिया जाएगा ऐसे इसमें अगर आपको दे दिया जाएगा यही कंपाउंड जो हमने बर्च रिडक्शन से बनाया था हमने बर्च रिडक्शन से बनाया था ऐसे यही कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाएगा ऐसे इसमें अगर H प्लस एच टू एड कर दिया जाएगा तो ये H2 अगर आपका मिनरल एसिड होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मिनरल एसिड एसिड अगर होगा तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे आपका ये कंपाउंड अल्फा बीटा कंपाउंड बनाएगा कैसे ये देखो ऐसे अरे ये देखो ऐसे बनेगा कंपाउंड इस तरह से कब जब ये H प्लस का सोर्स क्या होगा एच टू एसओ फोर होगा एच सी एल होगा यहां पे आपको कैसे लिख के दे सकते हैं आपको लिख सकते हैं वन मोलार एच सी एल

तो प्रोडक्ट आएगा इसके भी कॉन्जुगेशन में आना चाहिए इसके भी कॉन्जुगेशन में आना चाहिए तो आपका वन तो बनेगा बट कॉन्जुगेशन में होगा इसके भी और में होगा इसके भी. बोलो बात है, बोलो बात है बोलो भाई जल्दी से बताओ बात क्लियर है जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है क्लियर है बिल्कुल बहुत सही अब देखो यहां पे एक पॉइंट यहां पे रह गया था जो हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में यानी बताया था देखो क्या था अगर आपके पास दो रिंग है जैसे कि एक रिंग है ऐसी इसमें क्या है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ग्रुप है एक रिंग है ऐसी जिसमें क्या है यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अब मुझे बताओ इसमें अगर आप देखोगे इसमें अगर आप एने स्त्री एड करोगे इसमें अगर आप एने स्त्री एड करोगे तो मैकेनिज्म क्या था मैकेनिज्म क्या था सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था अरे बोलो भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म था यहां पे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे मतलब इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे अरे लेस इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग होगी वो क्या होगी वो पहले रिड्यूस होगी तो कहीं पे अगर आपको कंपैरिजन पूछ ले कंपैरिजन में क्या पूछे कंपैरिजन में आपको पूछे कि जो आपका कंपाउंड है इसमें जो आपका कंपाउंड है इसमें ये एक रिंग है और ये एक रिंग है दोनों रिंग्स में से दोनों रिंग्स में से कौन सी रिंग पहले रिड्यूस होगी तो इसका आंसर क्या होगा तो यहां से आपके अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब आपको सिस्टम जो चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट चाहिए होगा तो दोनों में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो इसमें भी और इसमें भी करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप अटैच है तो ये रिंग क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है अरे बोलो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट अगर है ये रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है दोनों रिंग के कंपैरिजन में तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो ये क्या हुई इलेक्ट्रॉन रीच हुई एज कंपेयर टू दिस रिंग अरे इसके कंपेरिजन में तो ये इलेक्ट्रॉन रीच है ना तो जो रिएक्शन होगी जो बर्च रिडक्शन होगा वो कहा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उस रिंग का होगा यही अगर कंपेरिजन आप पूछोगे तो ये क्या है मोर इलेक्ट्रॉन रीच है मोर इलेक्ट्रॉन रीच है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे अरे इसके कंपैरिजन में जो रिंग में डोनेटिंग ग्रुप अटैच है उसके कंपैरिजन में आपकी क्या होगी यहां पे ये रिंग तो तो क्या होगी होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहां पे हमें क्या करना है वहां पे हमें करना है जहां पे आपकी रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है वहां पर आपका क्या होना चाहिए उस रिंग का क्या होना चाहिए रिडक्शन होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है उस रिंग का रिडक्शन नहीं होगा जहां पे कुछ ग्रुप नहीं अटैच है उस रिंग का रिडक्शन पे होगा तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह से आएगा इसमें जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह से आएगा जो डोनेटिंग ग्रुप जहां पे होगा वहां पे एज इट इज होगा और जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होगा प्रोडक्ट मिल जाएगा ऐसे अगर मैं कहूं आगे कि ये क्वेश्चन है आपका यहां पे दोनों रिंग में सबस्टिड से दोनों रिंग्स में क्या है है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसमें आप अगर यानी एने, बर्सन एने, अगर आप रिडक्शन अगर करने जाओगे तो आपकी डोनेटिंग वाली रिंग क्या होगी यार इसमें तो कोई अभी बताने की जरूरत ही नहीं है वो एज इट इज रहेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पे होगा वो रिंग आपकी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी वो रिंग आपकी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बोलो भाई बात क्लियर है तीनों चीजें जो मैंने बताई वो क्लियर है क्या कमेंट सेक्शन में बताया जाए जल्दी से बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर वेरी गुड अब देखो यहां पे इसमें हमने क्या किया था? ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रॉन ठीक थी, है? तो ये आपको क्लियर हो गया अब देखो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपके लिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है अगला क्वेश्चन है आपके कंपाउंड में तीन रिंग यहां पे दे है एक तो ये है एक दूसरी ये है और एक तीसरी ये है तो वन टू और थ्री में अगर आप देखोगे तो सेकेंड रिंग एज इज रखिए और फर्स्ट और थर्ड रिंग का क्या कर दिया है रिडक्शन कर दिया है फर्स्ट और थर्ड रिंग का क्या कर दिया है रिडक्शन कर दिया तो ये कैसे हुआ है ये क्यों हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है बात को समझो देखो क्या है यहां पे इसीलिए हुआ है क्योंकि यहां पे क्या है सीओ टू एच ग्रुप अटैच है यहाँ पे क्या है सी टू एच ग्रुप अटैच है तो इन दोनों रिंग्स का रिडक्शन हो गया इन दोनों रिंग्स का रिडक्शन हो गया ध्यान से देखो और ये दोनों रिंग रिड्यूस हो गई और ये रिंग नहीं हुई जो मिडल वाली रिंग है वो नहीं हुई बाकी दो रिंग आपके क्या हो गए रिड्यूस हो गया तो ये गया? क्यों हुआ क्योंकि आपके कंपाउंड में क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग प्रेजेंट है दोनों और दोनों में सेम ग्रुप अटैच है इसीलिए दोनों का, का रिडक्शन हुआ है बट मिडल वाले रिंग का रिडक्शन नहीं हुआ है बट मिडल वाले रिंग का रिडक्शन नहीं हुआ है मिडल वाले रिंग का रिडक्शन नहीं हुआ है बात क्लियर है चले आगे चले आगे बोलो तो चलते देखो आगे सबको कोई भी अगर कोई डाउट होगा तो बता दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे देखो क्या है आगे देखो क्या है आपका कंपाउंड है कुछ इस तरह से अब इसमें अगर देखोगे आप तो ये सी एच टू है और ये ओ एम है ये डोनेटिंग ग्रुप अरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों में क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो कॉन्जुकेटेड प्रोडक्ट आएगा इन दोनों के साथ तो प्रोडक्ट आ रहा है देखो ऐसे अरे ये ने, ने इथेनॉल ऐड किया है तो कॉन्जुकेटेड प्रोडक्ट आया इसके बाद HCl H2 क्या है मिनरल एसिड है अरे मिनरल एसिड है इनऑर्गेनिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में क्या बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में बनता है आपका अल्फा बीटा कीटोन, अल्फा बीटा अनसे कीटोन, अब यहां पे क्या है अच्छा ये हो गया था ये हो गया था ठीक है देख लो एक दो ही एग्जाम्पल उसके बाद तो फिर कंटिन्यू करने वाले अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करोगे यहां से अटैक करोगे ऐसे डिलोकलाइज करोगे वन फोर एडिशन होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे ठीक है इसमें ये क्वेश्चन अरे क्वेश्चन हुए थे क्या कुछ लोग बोल रहे हुआ था कुछ लोग बोल रहे हुआ नहीं हुआ था नहीं हुआ था आई थिंक ओ एमी तक करवाए थे मैंने चलो ठीक है आगे देखो क्या है अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे इसमें दिया हुआ है आपकी साइक्लो रिंग है और ओएमी अटैच है साइक्लो है डोनेटिंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप करके करेगा अल्काइल ग्रुप है अरे अल्काइल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप में क्या है यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है तो अल्काइल ग्रुप के साथ ओ के साथ कॉन्जुकेटेड में प्रोडक्ट आएगा कॉन्जुकेटेड में प्रोडक्ट आएगा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आएगा बोलो कोई डाउट है इसमें बोलो भाई कोई डाउट है अरे लाइक like करो भाई जल्दी से लाइक like करो लाइक like करो जिन्होंने लाइक like नहीं किया है वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके कंपाउंड में एक ईयरिंग है और एक ईयरिंग है ये दोनों क्या है दोनों क्या है बोलो भाई सी एस थ्री सी एस थ्री आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अब अगर आप बात करोगे यहां पे बेंजीन रिंग अगर देखोगे और आपकी सीएस थ्री सी एस थ्री रिंग देखोगे तो डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो दो रिंग है तो ये क्या है आपकी ये है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग है अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रिंग है तो आपका कंपाउंड किस रिंग को रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रिंग को तो इसीलिए यहां पे इस रिंग का रिडक्शन हुआ है ना कि ये। ठीक है इस रिंग का रिडक्शन हुआ है ना कि ये। अगला क्वेश्चन चले देखो ये नोट डाउन कर लिया करो स्क्रीन ले लिया करो ले लो स्क्रीन जल्दी से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिपीट कीजिए रिपीट कीजिए क्या रिपीट करना है भाई देखो जिसमें भी आपके दो रिंग्स होंगे सुनो ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं जब भी आपके कंपाउंड में बल्स रिडक्शन में बल्ब रिडक्शन तो करता है आपका वन थ्री साइक्लो एक्सडा है हाँ बिल्कुल जाम का इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं जैम में तो जब भी इसमें रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रिंग क्या होगी आपकी रिड्यूस होगी इलेक्ट्रॉन डिफिशियन रिंग को आपको क्या करना है रिड्यूस करना है तो ये जो रिंग है यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रिंग आपको देखनी पड़ेगी तो इसमें डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ये क्या करेगा डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देंगे तो ये क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो जाएगी और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपकी ये इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इस रिंग का रिडक्शन हुआ ना कि ये चले भाई सब सिलेबस में भाई रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है आपके पास कंपाउंड आपके पास देखो कंपाउंड क्या है आपके दोनों डोनेटिंग है कर दो, इन दोनों कर, कर तो ये है अरे इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप है एसिड फेमस है और ये क्या है डोनेटिंग है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इसके केस में तो कॉन्जुकेटेड आएगा बट इसके केस में कॉन्जुकेटेड नहीं आएगा तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे बनाना होगा कि इसके केस में क्या आ जाए कॉन्जुगेटेड ना आए तो यहां पे क्या बना के रखा है यहां पे बिल्कुल सही बना के रखा है इसके केस में कॉन्जुकेटेड है इसके केस में कॉन्जुकेटेड नहीं है तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा यहां से बोलो कोई डाउट है इसमें चले आगे बोलो बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही एक कांजुकेटेड दूसरे का नॉन कॉन्जुकेटेड ठीक है चले बोलो चले जल्दी से आगे अरे बोलो भाई बात क्लियर है इजी है देखो आगे इजी है तो फिर देखो आगे देखो क्या पढ़ने वाले हम आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं देखो नेक्स्ट तो यहां पे बर्च के एग्जाम्पल हुए कुछ और भी कुछ एग्जाम्पल है बर्च रिडक्शन में और क्या एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में उस पर हम डिस डिस्कस करने वाले हैं डिस्कस करने वाले देखो रिडक्टिव अल्काइलेशन क्या होता है रिडक्टिव अल्काइलेशन क्या होता है देखो सबसे पहली बात हम रिंग का क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं अरे इस रिंग का क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं इस इंटरमीडिएट के थ्रू हमारी रिएक्शन जाती है यहाँ पे अनायन बनता है रिडक्शन करते हैं इसमें आगे जाके आपका प्रोटोन ले लेता है तो प्लस प्रोटोन की जगह पे क्या होगा आर एक्स होगा कोई अल्किल हाइड होगा तो ये अटैक कर देगा यहाँ पे और ये आपका बन जाएगा इस तरह से तो इसमें अगर आप बात देखोगे इसमें अगर आप बात देखोगे तो क्या हुआ, हुआ? रिंग का रिडक्शन हुआ पहले के आप ये पूरा देखो ना इसमें क्या हुआ रिंक हुआ रिंग का रिडक्शन पहले बताया था और दूसरी बात यहां पे अल्काइलेशन हुआ दूसरी बात यहां पे अल्काइलेशन हुआ तो इसे क्या कहा जाएगा रिडक्टिव अल्काइलेशन कहा जाएगा इसे क्या कहा जाएगा रिडक्टिव अल्काइलेशन कहा जाएगा इसे क्या कहा जाएगा रिडक्टिव अल्काइलेशन कहा जाएगा तो ये कौन से केसेस में ज्यादा यूज होगा तो ये आपके अल्काइलेशन के केसेस में ज्यादा यूज होगा जैसे कि सीओ टू तो आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे सीओ माइनस यहां पर ओ माइनस ऐसे यहां पर ऐसे भी हो सकता है अरे बोलो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी निकाल सकता है ना तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहां से अटैक करेगा ऐसे यहां पे भी आप डायरेक्टली दिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये अटैक करेगा यहां से और इसको निकाल देगा तो दोनों में आपका सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा आपका डबल बॉन्ड ऐसे होगा और सी ओ टू यहां पे आ जाएगा तो मैंने इसी कार्बन पे क्यों लिखा इस कार्बन पे क्यों नहीं लिखा तो इस कार्बन पे लिखने का मीनिंगय यह से अल्काइलेशन करेगा ठीक है तो स्टेबल अनायन से अल्काइलेशन करेगा जो सीओ टू ओ के साथ डीलोकलाइज करेगा उसके साथ क्या करेगा अल्काइलेशन करेगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा ठीक है बोलो भाई कोई डाउट है इसमें अगर बात समझ में आई होगी तो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो वीडियो को जल्दी से चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चंस देखते हैं आगे तो इसे क्या कहते हैं इसे रिडक्टिव अल्काइलेशन कहते हैं बर्च रिडक्शन की केस में क्या करता है ये रिडक्टिव अल्काइलेशन करता है आर के साथ अगर ग्रुप दे दिया जाए तो अल्काइलेशन आपका होता है बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कैरिसनबर्ग से क्वेश्चन है आपके इसमें कैरिसनबर्ग से क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और ये सवाल कितने करोड़ के लिए बोलो कितने करोड़ के लिए बोलो एक सवाल ऑर्गेनिक का देखो यहां पे क्या है सेम कंपाउंड है क्या बनेगा कंपाउंड कंपाउंड अनायन बनेगा ऐसे अरे अनायन तो बनेगा ऐसे ऐसे बनेगा ना ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पे सी टू माइनस यहां पे अनायन होगा ये अटैक करेगा यहाँ पे इसको निकालेगा और आपके कंपाउंड में बना देगा ये प्रोडक्ट कोई डाउट है जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र जय हिंद जय महाराष्ट्र अरे कोई डाउट है बोलो अरे इतना इजी क्वेश्चन है यार इसमें क्या डाउट है कोई डाउट नहीं बिल्कुल सही फिर तो ये ऐसे आपको अल्काइलेशन करना है नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो ये प्लस माइनस है ठीक है ये प्लस माइनस है देखो नेक्स्ट क्या कंपाउंड है इसमें है सी अच्छा कंपाउंड यही दिया है डायरेक्टली डायरेक्टली कंपाउंड आपको दे दिया गया है डायरेक्टली आपको कंपाउंड दे, दे दिया गया है देखो डायरेक्टली कंपाउंड दे दिया गया है बर्थ रिडक्शन करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली कंपाउंड दिया है बेस दिया है NH2- टू माइनस बेस दिया है NH2- टू माइनस आपका यहां से यह प्रोटॉन लेगा बनाएगा अनायन अनायन बनाने के बाद क्या करेगा आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा बोलो ये डबल बॉन्ड यहां पर सीओ टू ये भी माइनस बन जाएगा ये भी माइनस बन जाएगा जो बेस है इसका भी प्रोटॉन लेगा यहां पे अनायन अब ये क्या करेगा सी एच थ्री के साथ रिएक्शन करेगा सी एच थ्री आयोडिन आपका प्रोडक्ट बनेगा ये प्लस माइनस अबो बिलो आ सकते अगर यहां पे सबस्टिडियंट हुआ कोई अगर यहां पे, अगर यहां पे कोई सब्सिडियंट हुआ तो स्टीरियो केमिस्ट्री में अलग अलग ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है यहां पे अगर कोई आर ग्रुप आया तो स्टीरियो केमिस्ट्री में अलग अलग ग्रुप आ सकते हैं, कोई सब्सटिड नहीं तो प्लस माइनस मिलेगा सेम केस यहां पे बोलो इसमें कोई डाउट है दोनों एग्जाम्पल नोट करने हैं दोनों एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं हाँ भाई स्लोली तो पढ़ रहे हैं नोट कर लो इसमें भी कैसे होगा इसमें भी आपका सेम आपका कंपाउंड होगा इस तरह से ये आपके सी एच थ्री आयोडिन पे इसको निकाला जाएगा आपका कंपाउंड बनेगा ये आपका कंपाउंड बनेगा ये स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल सही बोला स्क्रीनशॉट ले लिया करो नोट डाउन कर लो अभी तो नोट डाउन कर लो अगर जल्दी हो रहा है तो पीछे रहकर स्क्रीन ले लिया करो इमीडिएटली बाद में नोट डाउन कर लिया करो यूट्यूब पे तो ले सकते हो चले आगे बोलो क्लियर है रिडक्टिव अल्काइलेशन की एग्जाम्पल क्लियर है चलो ठीक है नोट डाउन कर लो भाई नोट डाउन कर लो रिडक्टिव अल्काइलेशन के एग्जांपल्स क्लियर है बोलो चले आगे यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके कंपाउंड में देखो नेक्स्ट आपके कंपाउंड में आपके पास अगर सी एन होगा सीओ टू एच सीओ टू एच के जगह पे सीओ टू एच के सीओ टू सीओ एन एच डिट्रॉन विरी गुड ठीक है तो देखो यहाँ पे सी एन होगा सीओ टू एच होगा या सीओ एन एच टू होगा दोनों के केस में अगर आप देखोगे दोनों के केस में तीनों के केस में अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करके क्या करेगा ये भी और आपका जो अनायन बनेगा यहां पे बनेगा और अल्काइलेशन जो होगा अल्काइलेशन जो होगा आपका कहां से होगा अब यहां पे देखो कंपटीशन लगा दी इन्होंने बी आर सी एच सी टू बी आर दे दिया दोनों में से किसको रिमूव करेगा किसको रिमूव करेगा बी आर को रिमूव करेगा क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपकी बी आर की ज्यादा है इसीलिए आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा इसीलिए आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा इसीलिए आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा ओ सी एच सी की वजह से इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि आपका कंपाउंड ये जो आता है जो होता है फ्रंट में होता है फ्रंट में होता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट पढ़ेंगे आगे बताऊंगा आपको ठीक है आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट बताऊंगा आगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वेरी गुड कर लिया नोट डाउन बोलो कर लिया नोट डाउन बोल दो ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओके आगे देखो बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है इसमें देखो पहले आपको यह समझना होगा पहले इसमें आपको यह समझना होगा कि जो आपका कंपाउंड है सी ओ टू बीटी यहां पर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप करके एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप करके एक्ट हो रहा है ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप करके एक्ट नहीं होगा तो इसमें पहले अमाइड बनेगा उसके बाद से रिएक्शन की होगी बट इसमें मुझे नहीं लगता कुछ किया है उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करके एक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करके एक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा ऐसे ए सी एच थ्री यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड यहाँ पे सी ओ टू टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल यहां पे अनायन ये रिएक्शन करेगा आपके किसके साथ ये करेगा आपकी रिएक्शन आइसोप्रोपिल आयोडीन के साथ ये इसको ऐसे अटैक करेगा इसको निकाल के आपका कंपाउंड बना देगा ये आपका कंपाउंड बना देगा ये आपका कंपाउंड बना देगा ये अब देखो इसमें सिर्फ टीएफ दिया है टी एफ ए क्या होता है बताओ जरा टी एफ ए क्या होता है क्लास तो स्टार्ट हो गई सात बजे ही स्टार्ट हो गई इसीलिए तो बोलते हैं रिमाइंडर लगा के रखा करो बेल आइकॉन का बटन दबा दो सब्सक्राइब करने के बाद इमीडिएटली

यहाँ पे क्या है सी ओ टू टर्शरी ब्यूटाइल है यानी कि ऐसे ग्रुप है आपका सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन और टर्शरी ब्यूटाइल सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री यहां पर क्या लगाएं है प्रोपिल ग्रुप लगाएं ऐसे अब इसमें आप H प्लस एड करोगे इसमें आप एच प्लस एड करो टी एफ ए क्या होता है ट्राइफ्लोरो बताओ जरा आपको पूछा था मैंने एसिड असिट वेरी गुड वेरी so, OH, गुड तो ट्राई फ्लोरो कंपाउंड क्या करेगा यहाँ पे यहां पे क्या करेगा यहां से डीलोकलाइज करेगी लोन पेयर इस कार्बन से आएगा ऐसे प्रोटॉन ले लेगा ले कंपाउंड बनाएगा कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ऐसे भी कर सकते हो आप अच्छा ठीक है ऐसे ही कर लो कोई दिक्कत नहीं सी एच थ्री ओ सी एस थ्री एसे डबल बॉन्ड सी एच थ्री एसे डबल बॉन्ड ओ ओरी ब्यूटाइल इसी के साथ यहां पे भी प्रोटोनेशन करो यहां पे भी प्रोटोनेशन करो H प्लस के साथ तो ये भी आपका प्रोटोनेशन करेगा H प्लस के साथ ये भी आपका क्या होगा प्रोटोनेशन करेगा H प्लस के साथ तो H प्लस के केस में यहां पे H2O देना नेसेसरी H2O की सेवा आप मैकेनिज्म लिख ही नहीं सकते H2O के सिवा आप लिख ही नहीं सकते इसमें बाद में वर्कअप करते समय एसिड ऐड किया होगा ठीक है तो इसमें देखो क्या होगा इसमें आपका कार्बन है ऐसे इसमें भी अगर आप प्रोटोनेशन करोगे इसमें भी अगर आप प्रोटोनेशन करोगे तो इसमें होगा क्या इसमें होगा क्या ये जो ग्रुप है यहां से यहां डिलोकलाइज हो जाएगा और यहां से ये यह ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा यहां से ये यह कन्वर्ट हो जाएगा तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसका कार्बो डी कार्बोक्स ये छोड़ो ये छोड़ो पहले एक कार्बन को देख लो फिर दूसरे कार्बन को देखना तो इस कार्बन को अगर आपको देखना है तो इनोल इथर है तो आपने क्या बना दिया आपने कंपाउंड बना दिया ऐसे यहां पर सीएस प्रोफिल ग्रुप यहां पे ऐसे यहां पर सीओ ब्यूटिल ग्रुप यहां पे ऐसे तो ये आपका ओ सी एस थ्री है इसमें अगर आप एच टू के साथ रिएक्शन करोगे आगे तो ये ओपन करेगा क्लोज करेगा प्रोटोन ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा ध्यान से देखना इस मैकेनिज्म को पहली स्टेप हमने क्या की बस जस्ट प्रोटोनेशन कर दिया यहां है अभी तक ये नहीं किया है अभी तक सिर्फ प्रोटोनेशन किया ये कंपाउंड बन गया ऑक्सीजन पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां पे बन गया ओ सी एच थ्री ऐसे ये ओ OH, एच ये H यहां पे प्लस ये पेयर अटैक करेगी यहां पे ऐसे इसको न्यूट्रलाइज करेगी इसे कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर इसे क्या कहते हैं रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर यहां तो रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ट्रांसफर होगा और आपका कंपाउंड क्या बनेगा आपका कंपाउंड बनेगा इस तरह से ओ सी एच थ्री तो था इसने और एक प्रोटॉन ले लिया यहां से ये जो OH था ये अब डीलोकलाइज करेगा यहां से ये जो ओ OH एच है यहां पे ये जो ओ OH एच है यह डीलोकलाइज करेगा इसको निकाल देगा ये डबल बॉन्ड एज इट इज यहां पर आईसो प्रोपिल ग्रुप एज इट इज यहां पे डबल बॉन्ड ओ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज ठीक है इसके बाद यहां पे बन गया आपका कीटोन यहाँ पे बन गया आपका कीटोन इसके बाद देखो यहां पे इसमें क्या होगा ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन ये यहां से ले लेगा इसको न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ पे क्या है यहां पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो इसमें जब प्रोटोनेशन होगा इसमें जब प्रोटोनेशन होगा तो यहां पे डबल बॉन्ड ओ इसने तो यच दे दिया ना तो ये डबल बॉन्ड ओ ओ टर्शरी ब्यूटाइल है ऐसे अब इसमें क्या होगा ये जो है इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां पे डबल बॉन्ड वो बनाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये डबल बॉन्ड एज इट इज तो इसमें क्या बनेगा इसमें ये ऐसा क्यों होगा क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है इसमें क्या होगा इसमें क्या बनेगा टर्शरी कटायन बन जाएगा इसमें क्या बन जाएगा टर्सरी कटायन बन जाएगा जो कि स्टेबल होगा बाकी जो रिएक्शन में रिएक्शनॉल जो भी प्रेजेंट है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा आगे बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा अब यहां तक हम आ चुके हैं देखो ध्यान से यहां तक हम आ चुके हैं कि इसने क्या किया है यहां पे डबल बॉन्ड बनाया है यहां पे इसने ओ एच बनाया है यहां पे डबल बॉन्ड ओ बनाया है तो यहां तक हम आ चुके हैं अब देखो आगे यहां पे आइसोप्रोपिल ग्रुप को लिखना है ये बिल्कुल इसको नहीं भूलना इसको नहीं भूलना इसको यहां तक है यहां तक है यहां तक है ऐसे तो इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं देखो क्या है ये कहां से आ गया अगले पेज पे देखो हम लेके जा रहे हैं क्या है आपके कंपाउंड में क्या बनाया था ये है थोड़ा लंबा मैकेनिज्म है बट कॉन्सेप्चुअल इसलिए बता रहा हूं इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको ठीक है एक क्वेश्चन पूछा अभी गेट में ठीक है तो देखो इसमें जब भी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप के एडजस्टन में जब एसिड आता है जब एसिड आता है तब होता क्या है देखो ध्यान से तब होता क्या है देखो ध्यान से ये कंपाउंड ये प्रोटॉन लेगा यह यहां पे आएगा और ये यह यहां पे आएगा इस तरह से और आपके कंपाउंड में क्या बना देगा आपके कंपाउंड में क्या बना देगा आपके कंपाउंड में बनेगा ये ऐसे इसने प्रोटॉन लिया ना ये डबल बॉन्ड यहां पे आया अब ये डिलोकलाइज करेगा ये यह यहां आएगा इस आइसोप्रोपिल ग्रुप को लिखो भाई ऐसे ये इसने क्या कर लिया यहां से प्रोटॉन ले लिया इसे कहेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर या कॉन्जुगे हो जाएगा और आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा डबल ओ यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे बोलो भाई बोलो बात समझ में आई देख लो मैकेनिज्म फिर से एक बार क्या हुआ है फिर से एक बार बता रहा हूं पहले इसके साथ रिएक्शन करके एच टू के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे हमने बना लिया कीटोन और कीटोन के बाद यहाँ पे क्या किया जो टर्शरी ब्यूटिल एस्टर है आपका यहां पे टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है उसको हमने क्या किया प्रोटोनेट करवाया प्रोटोनेट करवाने के बाद डी कार्बोक्सिलेशन करवाया क्यों करवाया क्योंकि आपके केस में टर्शरी ब्यूटिल कटायन बनता है टर्शरी ब्यूटिल कटायन स्टेबल होता है और जैसे ही यह बनेगा वैसे ही यहां से ही H2O, या जो मिथेनॉल निकला है वो या इसका जो आपका इसका जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो जैसे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी तो उन, कोई भी जो स्पेसिस होगी उस पर अटैक करेगी वो बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन गया ऐसे अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि इसने क्या कर जाता है देखो, इसको अगर आप देखो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे करते है देख लो एक बार यहां पे आपका कंपाउंड ऐसे यहां पे ऑक्सीजन है यहां पे क्या है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपका डबल बॉन्ड एज इट इज है यहाँ पे ये ऑक्सीजन एड इज है ये हाइड्रोजन देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहां पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहां पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है भी ब्रेक हो रहा है यहां का जो डबल बॉन्ड वो है वो ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है फॉर्म कर रहा है तो इसमें आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सिक्स मेंबर यहां में ट्रांजिशन स्टेट से आप प्रोटोन निकाल सकते हो और आपका प्रोडक्ट बना सकते हो ऐसे उसके बाद तो डिलोकलाइज कर लिया और आपका प्रोडक्ट बन गया ऐसे तो ये नोट डाउन कर लो तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं ठीक है ठीक है बोलो भाई नोट डाउन कर लिया ये अरे नोट डाउन कर लिया क्या बता देना अलसी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया इमिडिएटली देखो पहले वाले स्लाइड जिसको लिखना होगा वो लिख लो ये क्वेश्चन था हमारा इस मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करते समय बस ये टू की यहाँ पे कमी थी तो मुझे लगता है इसमें वर्कअप में एच टू या इसके साथ एच टू आपको दिया होगा क्योंकि उसके बिना मैकेनिज्म लिखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है ठीक है तो ये मैकेनिज्म था यहां से इसको हम उठा के लेके गए थे अगले पेज पे स्क्रीन ले लिया किसी ने नहीं लिखा होगा एक ने भी नहीं लिखा होगा सब स्क्रीन स्क्रीनशॉट लिया होगा इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं लिखोगे आप लाइक करते रहो जिन्होंने लाइक नहीं किया है आगे देखो ये लिख लिया बोलो डन 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 आ डन और रन। चले आगे बता दिया करो यार जल्दी जल्दी कमेंट करके चलो ठीक है देखते है देखो आगे आगे देखो क्या है क्या किया है क्या किया है, क्या किया है? क्या किया है? कुछ नहीं दिया यहां पे तो पे इसमें लिख लो भाई स्त्री लिख लो ठीक है रिएक्शन क्या हुई है आपका अमाइड है और आपका ओ एम है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की अगर आप बात करोगे तो आपके केस में आप देखोगे कि ये जो ग्रुप है ये जो ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके केस में क्या आएगा नॉन कॉन्जुकेटेड आएगा डोनेटिंग के केस में क्या आएगा कॉन्जुकेटेड आएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फटाफट ले लो स्क्रीन जल्दी से ले लो स्क्रीन ले लो जल्दी से स्क्रीन ले लो देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है अगला क्वेश्चन देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो इसमें देखो ये जो ओ एम है ये जो कंपाउंड है आपका यहां पे ये ऐसे तो ये क्या करता है जैसे हमने अच्छा हमने पढ़ा है क्या यूट्यूब पे बट जैसे हम पढ़ते देखो आप नेम रिएक्शंस में या आप इन अल्काशन में इन अल्डोल रिएक्शन में जैसे हम कायरल ऑक्जरी का यूज करते हैं अलग अलग कायरल ऑक्जरीज हम यूज यूज करते हैं मेयर डी सारे जो भी भीज हम यूज करते हैं कायरलॉक ज्वेलरीज में क्या होता है जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है में उसके अपोजिट साइड से अल्काइलेशन होता है तो यहां पे भी आपका सेम ही काम होगा जो भी आपका यहां पे ग्रुप प्रेजेंट होगा बल्कि इस में उसके अपोजिट साइड से यहां पर क्या होगा अल्काइलेशन होगा उसके अपोजिट साइड से यहां पे क्या होगा अल्काइलेशन हुआ तो यही बात यहां पर की है पहली बात हमें समझनी थी कि जो भी आपके सी एच थ्री है यहां पे सी एच थ्री है ये मैच हमारा अमाइड है के केस में क्या चाहिए आपको यहां पे अनायन बनना चाहिए तो यहाँ पे अनायन बना। अनायन कैसे बनेगा? एक बार note down करना इसको इसको नोट डाउन करना यहाँ पे अनायन कैसे बनेगा यहां पे बनेगा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ये आपका CH3 थ्री होगा ये ओ एम होगा ओ होगा यहां पे बनेगा अनायन डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन यहां पे ऐसे ये, ये यहां पे ऐसे अब ये इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेगा इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा ऐसे ये आपका इस तरह से कंपाउंड बनेगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से बस ये आपको कायरल लग्जरी पहचान नहीं होगी कायरल लग्जरी इसके ट्रांजिशन स्टेट वगैरह भी होता है बट वो ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता मैं आपको फॉल्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है अगला क्वेश्चन देखो क्या है ये जूफेल का क्वेश्चन है आपके जूफेल का क्वेश्चन देखो क्या है ये जूफेल का इसलिए ले लिया है मैंने तो डी सी सी जो होता है आपका ये कपलिंग रिएजेंट होता है

कंडीशन में, में यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल पे रिएक्शन होगी यह फॉस्फोरस के साथ लोग दिमाग लगाएंगे कि इसमें सर केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो इस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है ध्यान से देखो ये कार्बन पे अगर रिएक्शन होती है यहाँ पे अगर वो एच अटैच होता तो इस कार्बन की केमिस्ट्री चेंज होती बट रिएक्शन कहा हो रही है रिएक्शन हो रही है इस कार्बन पे जहां पे दो हाइड्रोजन है वहां पे स्टीरियो सेंटर है नहीं वहां पे स्टीरियो सेंटर नहीं है तो फिर रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी कैसे नहीं होगी तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे चेंज नहीं होगी और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे अब आप कहोगे इसकी चेंज कर दो फिर अरे नहीं इसकी कैसे करोगे ये तो ऑलरेडी अलग कार्बन है ना इस इसपे रिएक्शन कर ही नहीं रहे हम तो रिएक्शन अगर नहीं कर रहे हैं तो यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा कोई चेंज नहीं आएगा ये नहीं करोगे अमाइड आपका है यहां पे अमाइड आपका है यहां पे अमाइड आपका दिया हुआ है तो अमाइड में क्या होगा अमाइड में आपका क्या हो जाएगा यहां पे इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी और आपका कंपाउंड बन जाएगा यहां पे अनाइन बनेगा और यहां से अल्काइलेशन होगा अल्काइलेशन होगा जो फ्रंट में आएगा तो फ्रंट में कैसे आएगा तो स्पेशली इसके लिए ट्रांजिशन सेट जो कॉन्वेक्स अटैक है वो यहां पे फेवरेबल करता है जैसे कि आपने फाइव मेंबर रिंग्स में भी पढ़ा होगा दो फाइव मेंबर रिंग होती है अगर ऐसे होगा तो अबाउ द प्लेन से अप्रोच क्या करता है फेवर करता है जनरली क्या जनरली क्या होता है द प्लेन से क्या होता है अप्रोच फेवर करता है बट अगर यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आपका कॉनवेक्स अटैक फेवर करता है ये ट्रांजिशन स्टेट पे उन्होंने बताई हुई है जहां से मतलब जिन्होंने ये रिसर्च किया हुआ है उनके पेपर में उन्होंने ये प्रपोज की हुई है कि ऐसे हो सकता है इसकी वजह से ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो सकता है क्योंकि यहां पे मेटल यहां पे नाइट्रोजन लोन पेयर और इस तरह से ये ऑक्सीजन अबो द प्लेन है और बिलो द प्लेन में क्या है आपका बिलो द प्लेन में क्या है आपका बिलो द प्लेन में आपके रिंग है तो इसलिए कॉन्वेक्स अटैक क्या करेगा फेवर करेगा इसलिए यह क्या आता है फ्रंट में आता है ठीक है तो यह सिर्फ इसलिए लिया है यह सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि आपके इसमें क्या है जो एफिल में दिया हुआ है ठीक है हेलो 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 हाँ हेलो मी अविनाश बोलते ah, मैं लेक्चर मे न कॉल करू का हो oh, हो oh, होक्चर oh. मधे न कॉल करते ठीक है ठीक है ठीक तो कैसे होगा इसमें आपके इसमें फ्रंट में कैसे आया क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कॉन्वेक्स अटैक यहां पे पॉसिबल है ठीक है वाले क्या है भाई अरे सेशन भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी से डोंट वरी स्टार्ट करेंगे डोंट वरी ठीक है तो यह बात क्लियर हुई इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट डाउन करना होगा तो फिल्म में भी दिया हुआ है फिल्म में ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं दी हुई है तो आपको ये आ, ये कहां से ली थी मैंने वही से लियो थी जिन्होंने मतलब जिन्होंने प्रपोज किया ये बोलो भाई बात क्लियर है इसमें कर चुके नोट डाउन कर चुके इतने एडवांस इतने टैलेंट रे कहा से कैसे क्यों थैंक यू सो मच सुभदीप चले आगे बोलो भाई कर ले नोट ये जैम के लिए नहीं है ये जैम के लिए नहीं है ये जैम के लिए नहीं है सिर्फ ये स्लाइड बाकी सारे एग्जाम्पल जैम के लिए भी है बाकी सारे एग्जाम्पल जैम के लिए भी ये स्लाइड जैम के लिए नहीं है ये नेट गेट के लिए जो फिल्म में दिया है तो नेट गेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलते हैं देखो आगे स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने देखो मिड लेक्चर मोटिवेशन में क्या है आज की मिड लेक्चर मोटिवेशन में क्या है देखो क्या है इफ यू थिंक इफ यू थिंक पुअर देन यू विल बी पुअर जैसा आप सोचोगे अगर आप सोचोगे कि मुझे गरीब ही रहना तो आप गरीब ही रहोगे दूसरा दूसरा क्या है इफ यू थिंक रिच देन यू विल बी रिच आप सोचोगे वैसे ही होगा आपको क्या करना है हर बार पॉजिटिव लेके चलना है positive vibes आपके साथ होने चाहिए। उसे साथ से आपको क्या करना है आगे चलते रहना है पढ़ाई करते रहनी पढ़ाई स्टार्ट कर, पढ़ाई होनी चाहिए रेगुलर पढ़ाई के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सारी चीजें होनी चाहिए आप अगर करोगे तो बिल्कुल होगा हंड्रेड परसेंट होगा मैं गारंटी देता हूँ भाई जैसे ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब नहीं होते क्लियर कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ाई कर करके करके कर 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 उनका हो जाता है ठीक है तो ये है ठीक है भाई देखो पॉजिटिव थिंक विथ वर्क बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉजिटिव थिंक विथ वर्क बहुत बढ़िया इफ यू थिंक सक्सेस देन यू विल बी सक्सीड जैसा सोचो कि वैसे होता है इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे नहीं कि आप सोचो कि मुझे मंगल ग्रह पे जाना है तो फिर मैं सोचते ही रहूं, सोचते रहू पर अगर आपने ठान लिया तो वो भी कुछ पॉसिबल नहीं आजकल हमारे इलोन मस्कर बना रहे हैं तो आप जा भी सकते हो अगर आपने ठान लिया तो ठीक है तो ऐसे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है बट प्रैक्टिकली सोचो प्रैक्टिकली चलो प्रैक्टिकली मेहनत करो उस चीज के लिए बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा मैं गारंटी से बताता हूँ चले आगे तो लेक्चर मिड लेक्चर मोटिवेशन खत्म हुआ तो देखो अभी तक हमने जो भी किया है काम किया है वो देख लेते एक बार हमने यहां तक जो कम्प्लीट किया है यहां तक हमने कम्प्लीट किया है आपके डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन की आपके साथ अगर ऐसे कोई दे दिया जाएगा ना ध्यान रखना इसको ऐसे कंपाउंड है इसमें एने एन ए स्त्री थी तो एने एन एस्त्री क्या करेगा अरे इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा बट इसके साथ रिएक्शन करेगा आपके केस में प्रोडक्ट क्या बना देगा ऐसे प्रोडक्ट बना देगा वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ पे और आपका प्रोडक्ट बना देगा ऐसे तो ये प्रोडक्ट बनाएगा तो के साथ रिएक्शन करता है नॉन के साथ रिएक्शन नहीं करता नॉन के साथ रिएक्शन नहीं करता तो ये पहली चीज हमने पढ़ी कि आपके डबल बॉन्ड का रिएक्शन होगी और आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है तो पहली चीज हमने क्या देखी इसमें यह बन जाएगा ऐसे दूसरी चीज हमने ये देखी कि इसमें यह बन जाएगा ऐसे तीसरी चीज हमने डिस्कस की आपके कंपाउंड में ये बन जाएगा ऐसे ये एड करोगे तो आपके कंपाउंड में यह बन जाएगा फोर्थ डिस्कशन हम करने जा रहे हैं आपका आर सी ट्रिपल वॉन सी आर अगर आपको करना होगा कन्वर्ट एने थ्री अगर इसमें एड करोगे तो क्या होगा वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिडक्शन ऑफ अलकाइंस

फॉर्म डाई सब्सटीट्यूटेड अल्काइन इज करस्पॉन्डिंग ई अल्किन तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने लेक्चर नंबर वन में तब मैंने आपको बताया था कि जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी होती है वो क्या होती है ए से आपका बी और सी बन सकता है बी और सी बन सकता है और दोनों का रिलेशन क्या है दोनों का रिलेशन है वो स्टीरियो आइसोमर से क्या है स्टीरियो आइसोमर से स्टीरियो आइसोमर से तो दोनों का रिलेशन अगर स्टीरियो आइसोमर है और आपको एक ही मिल रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे अगर दोनों में से एक ही दोनों का दोनों एक दूसरे के क्या है स्टीरियो आइसोमर से ट्रांस से ये है और ये क्या है अरे ये ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल तो ही ये स्टीरियो आइसोमर से नहीं है आइसोमर से ये स्टीरियो आइसोम है आपके और इस स्टीरियो आइसोमर में क्या हो रहा है आपका एक स्टीरियो आइसोमर आपको क्या मिल रहा है कंप्लीटली स्टीरियो सिलेक्टिव ओनली प्रोडक्ट

होमवर्क क्या है इसके अलावा जो भी ई के मेथड पता होंगे जितने भी ई एल्किन के बनाने के मेथड बनाने होंगे आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है अभी नहीं लेक्चर खत्म होने के बाद ठीक है कमेंट किया करो आप बिल्कुल हम सारे कमेंट्स आपके पढ़ते हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको कैसे लगता है केम अकेडमी के लेक्चर कैसे चल रहे हैं आप कमेंट करा करो हमारे लेक्चर के पीछे आज आप कमेंट करनी ही आपको सब लोगों को कमेंट करनी है इट इज कंपल्सरी आप देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं अगर आपने बहुत अच्छी कमेंट की हमें अगर पसंद आई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा और आपको प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे आपके नाम के साथ मैं आपकी कमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा ठीक है तो ये बात है यहाँ पे तो इसके आज का होमवर्क क्या दिया है मैंने पहले तो आपको कैसे लेक्चर कैसे लग रहे हैं रियजेंट सीरीज कैसे चल रही है उसके बारे में कमेंट करना है दूसरी यहाँ पे और कौन से मेथड से जिससे आप ई डबल बॉन्ड बना सकते हो वो बताना है ठीक है तो चलते हैं इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं देखो इसका मैकेनिज्म समझते हैं देखो पहले इसका मैकेनिज्म समझते है कैसे इसका है। आपके पास कंपाउंड क्या है आपके पास कंपाउंड रिडक्शन की कंडीशन आपका आर ग्रुप ले लिया ऐसे आर डैश ग्रुप आ गया यहाँ पे ट्रांस डबल बॉन्ड बन रहा है ई डबल बॉन्ड बन रहा है तो कैसे बन रहा है इसका हैं कैसे बन रहा है इसका मैकेनिज्म समझते हैं देखो मैकेनिज्म समझते हैं देखो इसका क्या है मैकेनिज्म क्या है मैकेनिज्म आर सी ट्रिपल वॉन सी आर डैश है आपका एन एच थ्री अगर आप रिएक्शन लोगे यहां रिएक्शन करोगे तो होता क्या एन एने से आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके अमोनिया के साथ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहां पे वन इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होता है और आपका यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें दो तरीके से आप मैकेनिज्म दिखा सकते हो देखो दोनों मैकेनिज्म में आपको क्लियर करूंगा सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों में पहले तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको ओपन कर लो यहां पर ऐसे क्या हुआ पहले तो आप क्या करो ऐसे इसको ओपन कर लो इस तरह से डायरेडिकल भी, भी, आप. आप भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है डायरेक्टली रेडिकल दिखाया जाता है तो डायरेक्टली रेडिकल अनायन कैसे दिखाया जाएगा आपके केस में क्या होगा आपके केस में डायरेक्टली आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि यहां पे बनेगा अनायन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे ऐसे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा ऐसे तो ये आपका रियल जो बुक्स में दिखाओ जो आपको बुक्स में मिलेगा मैकेनिज्म ऐसे अब देखो यहाँ पे ये कैसे आएगा ये कैसे आएगा तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन आप एड करोगे तो इसको पहले तो आप कौन एक तो रेजोरेटिंग स्ट्रक्चर के पॉजिटिव निगेटिव लिख लो बट ट्रिपल बॉन्ड केस में वो बिल्कुल गलत हो जाएगा तो ये सिर्फ समझाने के जो व्हाइट कलर में लिख रहा हूं ओरिजिनल मैकेनिज्म ये समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे ये होगा तो आप देखो यहां पे कैसे होगा ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा ऐसे और दो इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके कंपाउंड में क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे और यहां पे क्या हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहां पे क्या बन रहा है आर और सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पे रह रहा है ऐसे ठीक है ऐसे अब इसमें आर और आपका जो भी प्रोटॉन सोर्स होगा एच प्लस जो भी प्रोटॉन सोर्स होगा आपका यहां पे अटैक करेगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन अगेन यहां पे ट्रांसफर होगा इस तरह से आपके कंपाउंड में बन जाएगा यहां पे हाइड्रोजन और इसमें आप सीस नहीं लिख सकते अभी क्यों नहीं लिख सकते देखो किसी ने बताया ट्रांस का रिडक्शन बीच रिपल्शन होगा जो दो इलेक्ट्रॉन सोर्सेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनमें क्या होगा रिपल्शन होगा और रिपल्शन होने की वजह से दोनों में रिपल्शन होने की वजह से ये क्या करेगा एक दूसरे को अपोजिट साइड रखेगा और अपोजिट साइड रखेगा तो आपका ऐसे आपका कंपाउंड बनेगा इस तरह से अगेन प्रोटॉन लेगा अगेन आपका क्या बन जाएगा ट्रांस डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे बोलो भाई बात क्लियर है हां जी बात क्लियर है इस तरह से तो इसमें क्या होगा हमेशा ट्रांस डबल बॉन्ड बनेगा आपने स्टेटमेंट पढ़ा आपने ज़ुफेल का स्टेटमेंट पढ़ा वो ज़ुफेल बुक में से स्टेटमेंट लिया था मैंने क्या उसमें कंप्लीटली सीओ सिलेक्टिव ओनली ई प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो आपको ओनली ई e प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहां पे होता है यस yes, बिल्कुल सही बिल्कुल सही चले बोलो आगे बात क्लियर है तो फोर्थ रिएक्शन आपने पढ़ ली है सोल्युएटेड मेटल रिडक्शन में क्या है फोर्थ रिएक्शन की जो भी ट्रिपल बॉन्ड दिया जाएगा ये बहुत पॉपुलर है पता है ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है सोल्युएटेड मेटल रिडक्शन के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ठीक है चले आगे देखो एग्जाम्पल देखो क्या है एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो क्या है देखो और एक मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी कौन सी थी वो मेथड मैंने कौन सी मेथड पढ़ाई थी आपको मैंने आपको पढ़ाया था अगर सी ट्रिपल वन सी होगा सी एच टू होगा ओ एच OH होगा इसमें अगर आप आर लोगे इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ऐड करोगे तो इसमें भी क्या बनेगा आर आर और वर्कअप अगर आपका एच टू H2 H2 अगर होगा या एच थ्री ओ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका यहां पे भी ई डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे भी ई डबल बॉन्ड बनेगा अगर आप कहोगे यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश है इसमें अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ऐड करोगे तो इसमें मैंने आई थिंक आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी बट यहाँ पे रिएक्शन होती है यहां पे देखो मैंने आपको आई थिंक बताया था कि यहां पे रिएक्शन नहीं होगी तो उसमें करेक्शन करना है आपको कि इसमें रिएक्शन होगी बट बहुत स्लो होगी इसमें आपको टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड होंगे मतलब जनरल कंडीशन पे अगर आप बात करोगे आपके पास अगर प्रोपेजाइलिक अल्कोहल है प्रोपेजाइलिक आपका अल्कोहल है प्रोपेजाइलिक अल्कोहल का ट्रिपल बॉन्ड है प्रोपेजाइलिक ट्रिपल बॉन्ड है आपका तो उसमें क्या होगी नॉर्मल कंडीशन पे आपकी रिएक्शन हो जाएगी बट इसमें क्या होगी आपकी नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होगी इस पर आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन यहाँ पे होती है ठीक है पॉसिबल होती है तो ऐसा तो कहीं पे भी पॉसिबल होता है जनरली क्या है रिएक्टिविटी की अगर बात करोगे तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा इसकी है ऐसे कंपाउंड्स अवेलेबल है कि जिसमें क्या होता है प्रोपेजेलिक ट्रिपल बॉन्ड होता है और आपका सिंपल ट्रिपल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं होती डायरेक्टली प्रोपेजाइलिक के साथ रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपेजाइलिक के साथ रिएक्शन होती है तो पहली मेथड मैंने आपको यह पढ़ाई थी पहली मेथड मैंने आपको लिथियम मैं पढ़ाई थी दूसरी मेथड मैंने ये बताई अब जो रिमेनिंग मेथड है जो भी आपको पता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर नहीं पता है तो वो भी बताओगे कि सर हमें नहीं पता अगले सेशन में कवर करवाओ तो हम वो भी कवर करवाएंगे ठीक है चलो आगे चलो आगे देखो अगला सेशन देखो अगला क्या है देखो आपका ओ एज ग्रुप यहां पर ओ एज ग्रुप है इसका कोई रोल नहीं यहां पर आपने थ्री के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका क्या होगा क्या होगा बोलो आपका ट्रिपल बॉन्ड दिया है ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा ई डबल बॉन्ड बनेगा ई डबल बॉन्ड बोलेगा कोई डाउट है इसमें बोलो ट्रांस बन गया कोई भी डाउट नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या है अरे नेक्स्ट पॉइंट आ गया तो ठीक है ट्रिपल बॉन्ड की ये बात आ गई ठीक है बात समझ में आई इसमें और भी एग्जांपल है आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में मैंने लिया हुआ है आज क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले रिडक्टिव डी प्रोडक्शन ऑफ पहला दूसरा तीसरा चौथा चार काम बहुत इंपॉर्टेंट है पहला अल्फाबिटान सेचुरेटेड वन थ्री ब्यूटा डाइन एरोमेटिक रिंग फोर ट्रिपल बॉन्ड चार काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं रिडक्टिव डी प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिकोड uh, benzyl तो के, के लिए भी कंटिन्यू हम करने वाले ठीक है देखो क्या है जब भी आपके कंपाउंड में जब भी आपके कंपाउंड में आपके कंपाउंड में क्या क्या होगा जब भी आपके कंपाउंड में ओ सी एच टू बी एन होगा ओ सीएचन होगा तो इसमें आपका क्या होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब आपका ROH है जैसे कि आप ROH लेते हो ROH में क्या करते हो बेंज़िल ब्रोमाइड ऐड करते हो बेंज़िल ब्रोमाइड क्या होता है PHCH2BN PHCH2BR PHCH2BR अगर आप ऐड करते हो NaH के प्रेजेंस में तो क्या हो जाता है NaHCH- आपका यहां से प्रोटॉन लेता है एनायन बनाता है RO- क्या कर देता है आर ओ माइनस क्या कर देता है आर ओ माइनस क्या कर देता है आपका पी एच बी आर पे अटैक कर देता है CH2BR पे और आपका यहाँ पे बना देता है -PH. तो इसे क्या कहते आर ओ बी एन कहते इसे क्या कहते हैं बी एन कहते तो ये जब भी होगा ये जब भी होगा आपके केस में तब आपको क्या करना है आप अगर इन्हें स्त्री एड करते हो आप अगर एनेच थ्री एड करते हो तो इसमें क्या हो जाता है सोलवेटेड मेटल रिडक्शन हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां दोनों में अनायन प्रोटोनेशन आपका कंपाउंड बन जाता है ऐसे आर ओ एच बन जाता है ऐसे प्लस सी एच टू सी एच टू सी एच टू हाइड्रोजन यानी कि सी एच थ्री आपका बन जाता है टोल्यून आपका बन जाता है क्या बन जाता है टोल्यून आपका बन जाता है तो बी एन ओ बी एन ग्रुप अगर कहीं पे होगा बर्च रिडक्शन की कंडीशन दे रखी तो उसका भी क्या होगा डी प्रोटेक्शन होगा उसका भी क्या होगा डी प्रोटेक्शन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा हुआ है। अब देखो यहां पे यहां पे अमाइड फंक्शनल ग्रुप है अगेन अमाइड है, है अगर ओ बी एन की जगह पे अगर एस बी एन आ जाए तो अगर एस बी एन भी आ जाए तो भी उसका भी डी प्रोडक्शन होगा तो बी एन ग्रुप बस होना चाहिए वहां पे बी एन ग्रुप अगर होगा तो आपके इसमें रिएक्शन हो जाएगी। तो yes, का भी करेगा। CO2H acidies, ये है, तीनों के, के क्या होगा? होगा, और तीनों के, के हो गया, आपका कंपाउंड क्या बनाएगा आपका कंपाउंड बनाएगा ऐसे अब आप कहोगे सर यहां पे तो एसिड था अरे यहाँ पे तो ये क्या था ये तो यहां पे क्या है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है देखो यहां पे ये चारा है ये चारा है अब पर डी कार्बोक्शन करेगा और टू बना देगा तो यहां पे ध्यान देना ये जो है यहां पे डी कार्बोक्शन भी हुआ है।, तो बन गया। बनने के बाद हुआ है और आपका प्रोडक्ट बनाया है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों भी डी प्रोटेक्शन के लिए ठीक है अरे बोलो भाई बात क्लियर है तो जब भी ऐसे कुछ केस होगी ओबीएन ओबीएन एन बी एन एस बी एन सारे केसेस में क्या होगा बेंज़िल ग्रुप जहां पे भी होगा वहां पे लिथियम इथेनॉल एन एने स्त्री एन एन आपका क्या करेगा डी करेगा सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन से कमेंट करो भाई जल्दी से बात क्लियर है क्या बोलो भाई बोलो ठीक है देखो आगे नेक्स्ट देखते देखो नेक्स्ट क्या है भाई सब कुछ नेट गेट के लिए है कम कहा है सब कुछ नेट गेट के लिए ही तो है ये डी प्रोटेक्शन वाला ही इतना है बस ठीक है आगे देखो आगे देखो आपके पास कंपाउंड क्या होगा आपके कम, आपके पास कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से सिक्स नंबर का काम जो है बर्थ रिडक्शन का सोलवेटेड मेटल रिडक्शन का जो सिक्स नंबर का काम है वो पढ़ रहे हैं हम क्या काम है आपके पास कंपाउंड है ऐसे ऑक्सीजन है पी डबल बॉन्ड होगा ओ होगा ये स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड है यहाँ पे ओ होगा ऐसे अगर होगा आपका इसमें अगर आप एन ऐड करोगे इसमें अगर आप एन एन करोगे इसमें अगर आप एने स्त्रो एड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और ये ग्रुप निकल जाएगा अब देखो यहाँ पे बात ये है कि ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है बट ये बॉन्ड क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का क्या होता है बताओ भाई ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का क्या होता है क्या होता है ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का क्या होता है यहाँ पे इसका होता है यहाँ पे टुरू लव क्या होता है लव टूलव होने की वजह से क्या होता है टूरूलव होने की वजह से क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा सोलवेटेड मेटल रिडक्शन से और ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे तो ये बनाना कैसे है इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं देखो ये नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या है इसमें देखो ध्यान से देखो ध्यान से इसमें क्या है देखो ध्यान से इसमें, इसमें क्या है आपके पास कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से यहां पे कुछ ग्रुप है यहां पे पी एस लिख देता हूं मैं यहां पे ऐड किया जाएगा ओ सी एल ओ आर टू ओ आर टू तो ये क्या होगा आपका ओ सी एल ओ आर टू होगा इसमें ऐसे ट्राईथिल अमाइन और अदर कोई बेस होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या अमाइन बेस होगा ठीक है तो वो क्या करेगा यहां पे रिएक्शन करेंगे देखो कैसे इसको मैं लिख लेता हूं इस तरह से एक्सपांड करके फोर्स को पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ टी ओ आर है ओ आर है और यहाँ पे सी एल है अब यहाँ पे क्या होगा आपके कंपाउंड में ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे गलत कर दिया ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे ये ओपन करेगा क्लोज करेगा क्लोरीन को निकाल देगा तो इसमें क्या होगा इसमें आप लोन पेयर से भी दिखा सकते हो और, और बॉन्ड पेयर से भी दिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो आप यहां पे दिखा दो ऐसे यहाँ पे दिखा दो ऐसे ठीक है इसमें प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा इसमें प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड पी एच यहां पे फास्फोरस डबल बॉन्ड ओ आर ओ आर यहां से हाइड्रोजन लेगा ट्राइथिल अमाइन और कोई भी अमाइन बेस यहां पे ऐसे ये यहां पे बना देगा डबल बॉन्ड ये इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया ना ये पी एच ये डबल बॉन्ड ये आपका ऑक्सीजन ये पी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ आर यहां पे, ओ, आर पे पे और आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे अब इसमें क्या होगा इसमें आप ऐड करोगे स्त्री तो एने स्त्री अगर आप ऐड करोगे इसमें विद आपके एने स्त्री आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा ठीक है तो आपको ये ऐसे भी दे सकता है डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है डायरेक्टली इस तरह से भी आपको दे सकता है क्लोरीन को निकालना होगा बिल्कुल बिल्कुल क्लोरीन को ही निकालना होगा वो एटी को अगर निकालोगे तो वो नहीं पॉसिबल होगा क्यों पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपका ओ ओ आर ग्रुप जब निकलेगा तब उसका कॉन्जुकेट एसिड जो बनेगा वो बनेगा आपका अल्कोहल और जब सीएल निकलेगा उसका कॉन्जुकेट एसिड बनेगा

इथी एन है टर्शरी ब्यूटेनॉल है इथी एन एच ब्यूटेनॉल है क्या होगा पहले तो देखो पहले क्या किया है पहले क्या किया है ये कंपाउंड बनाया है कैसे बनाया पहले बर्च रिडक्शन से आपका सोलवेटेड मेटल रिडक्शन से अल्फाबिटान से जुड़े कंपाउंड से कैसे बनाया देखो इसको ध्यान से ये समझो पहले इसमें क्या बनेगा इसमें बनेगा ये कंपाउंड ऐसे डिकेलिन है आपका यह अब प्लेन है तो यह कहा जाएगा यह बिलो जाएगा ट्रांस बनेगा आपका ये ओ माइनस बनेगा यहां पे यह क्या है यापे? यहां पे है एसिटल ऐसे अब यह ओ माइनस जो बनाए वो इसके साथ फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ओ ओ क्या है इथाइल है इथाइल ओ इथाइल और आपका यहां पर सीएल अटैक होगा यहां पे ओपन करेगा क्लोज करेगा क्लोरीन को निकाल देगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये ऐसे बनेगा ये और इसके बाद तो आपको पता ही है इसके बाद तो आपको पता ही है बोलो भाई अरे बोलो इसके बाद तो आपको पता ही है तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा ट्वेंटी फाइव होंगे लेक्चर्स में भी ट्वेंटी फाइव से ज्यादा भी हो सकते हैं बट ट्वेंटी फाइव एवरेज आप पकड़ के चलो ठीक है तो ये बात यहां पे है बात क्लियर है चले आगे अरे बोलो भाई चले आगे क्या नहीं है भाई सीएम ये नोट डाउन किया था ये भी डाउन किया होगा देखो आगे कीटोन का रिडक्शन आगे देखो किटोन का रिडक्शन कैसे होगा देखो आगे कीटोन का रिडक्शन कीटोन का रिडक्शन करोगे तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा जैसे कि आपने पढ़ा था हमने पढ़ा था याद है आपको अरे याद है भूल गए होंगे आधे तो लेक्चर तो देखे नहीं होंगे आपने आधो लोगों ने देखो यहाँ पे क्या है टर्शरी अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम ऐड करते थे तो आपके इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता था आपके इसमें प्रोडक्ट मिलता था ऐसे ये आपका ओ मिलता था इसमें दूसरा प्रोडक्ट जो एक्जिल में ओ था वो मिलता था टेन नाइनटी एस टू टेन अब अगर आप बात करोगे यहां पे

रेडिकल अनायन होने के बाद आपका ओ OH एच जो होगा वो प्रोटोन लेगा अगेन OH रेडिकल ले बन गया अगेन एक इलेक्ट्रोन होगा बनाएगा, और again, लेगा, आपका अल्कोहल बना देगा हाइड्रोजन जो होगा स्मॉल ग्रुप वो कहां से आएगा आपका एक्सजेल में आएगा ओ OH एच कहां आएगा इक्वेटोरियल में आएगा बोलो भाई बात क्लियर है तो आपको ऑलरेडी नोन है बस यहां पे मुझे कंपैरिजन करवाना था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और एन एन एच थ्री की अगर आप बात करते हो तो उसमें क्या होता है आपका एने एने थ्री के केस में आपका क्या होता है ज्यादा इल्ड मिलता है ठीक है तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डन देखो नेक्स्ट देखो यहां पे इसमें अगर आप बात करोगे इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें भी क्या होना चाहिए था इसमें भी आपको एक्सो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था फिर मोर बट यहाँ पे 13 मिलता है 87 आपको मिलता है एंडो मतलब एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है यहां पे तो ये आपकी एक्सेप्शन कैसे ठीक है ये आपकी एक्सेप्शन कैसे ये मैंने नहीं लिखा ऑथर ने जैसे लिखा है वैसे एज इट इज आपको बता रहा हूं ठीक है ये आपकी क्या है एक्सेप्शन है तो इसमें क्या मिल रहा है एक्सो मिलना चाहिए बट मिल क्या रहा है एंडो मिल रहा है तो है तो इसको एक्सेप्शन कहा अरे बोलो भाई बात क्लियर है देखो आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ लोग आप सॉल्व करो आप मुझे बताओ जरा आंसर क्या आएगा आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा इसमें जल्दी से आपको मैं टाइम दे दू यहाँ पे देखो एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको वन मिनट आपके पास है वन मिनट में आपको करना है ये जब सिक्सटी हो जाएगा तब मैं कितने लोग बता रहे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है एक्सेप्शन की तो तो वो हो होती रहती है बड़े बड़े केमिस्ट्री में तो ऐसे होगा ही भाई कुछ ना कुछ मोस्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है डबल बॉन्ड का रिडक्शन किया है सिंपली तो लिथियम एल्यूमिनियम डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा नहीं करेगा, NH2, NH2, KOH, का नहीं करेगा. आपका NABH4C, CL3, करता है लूचे बान एच थ्री आपका यहां पे क्लियरली आ जाएगा लिथियम एन एच थ्री लिक्विड आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा तो इसमें क्या है बिल्कुल सही ऑप्शन बताया सब लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने बताया यस yes, बिल्कुल यहां पे क्या हो गया मैक्सिमम लोगों ने क्या बताया डी ऑप्शन आपने बताया देखते देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टू यहां पे कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जब आपका यहां पर टू मिनट्स हो जाएंगे तब तक आपको टाइम है क्या है क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट रेजेंट सुबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ टू ऑक्टीन ट्रांस इंटू टू टू ऑक्टीन इंटू ट्रांस टू ऑक्टीन ऑक्टाइन से ऑक्टीन बनाना है ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनाना है सी एच थ्री है सी ट्रिपल बॉन्ड सी है पांच तीन आठ सी फाइव एच इलेवन है इससे आपको क्या बनाना है सी एच थ्री यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे सी फाइव एच इलेवन ये बनाना है तो कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा बोला था एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन तो यहां एसिडिक एसिड दिया हुआ पीडीसी में सीस मिलेगा हाइड्रेजिन हाइड्रेट बिल्कुल पॉसिबल नहीं तो लिक्विड लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इज द सी थर्ड जो आंसर है करेक्ट है, जिन्होंने थर्ड आंसर बताया है उसमें क्या होगा लिथियम इन लिक्विड अरे अभी देखा ये अभी देखा अभी बताया मैंने ये तो इसमें क्या होगा आपका ये पॉसिबल आंसर है ठीक है ये पॉसिबल आंसर है अगले क्वेश्चन पे चलते देखो अगले क्वेश्चन के लिए भी समय दिया जाएगा आपको बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे आपको समय दिया जाएगा बिल्कुल बताना है आपको देखो क्या है बताओ भाई इसमें आपका क्लॉक हो गया ठीक है बताओ इसमें मिनट है आपका टाइम स्टार्ट होता है स्टार्ट हो चुका है अभी जल्दी से बताओ नेक्स्ट आपको जो दिया एमसीपी भी है MCPV जो आपको नहीं दिया है बट मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक आगे पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन में बट ये ठीक है इसमें बड़ी बढ़िया बात है, तो। इसमें है इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं एमसीपी भी है तो पता होना चाहिए एटलीस्ट बता देता हूँ यूज होता है चारों प्रोडक्ट की दे रखे अब तो पता कर लो ये क्वेश्चन एमसीबीबीए का है ही नहीं ये बर्स रिडक्शन का क्वेश्चन है बोलो भाई बताओ जरा क्या होगा आंसर थ्री बता रहे कुछ लोग टू बता रहे ध्यान से देख लो एक बार कुछ लोग बता रहे वन कुछ लोग बता रहे वन सी बता रहे कुछ लोग देखो पहली बात तो आपको समझना होगा आपका मॉलिक्यूल जो दिया है यहां पे ऐसे है CH3 थ्री सी एच थ्री ओ सी थ्री यहां पर ऐसे दोनों क्या है ये डोनेटिंग है ये डोनेटिंग है CH3 थ्री दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोनों आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोनों में क्या होगा दोनों में, तो में प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें देखो, देखो। इस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री है ऐसे तो ऐसे बनेगा दोनों के साथ क्या होना चाहिए कॉन्जुकेटेड होना चाहिए दोनों के साथ जब कॉन्जुकेटेड होगा तो ही आगे रिएक्शन होगी दोनों में कॉन्जुगेटेड बन गया दोनों में कॉन्जुगेटेड बन गया अब इपोक्सीडेशन करना है तो इपोक्सीडेशन का अगर आपको पता होगा तो देखो इपोक्सीडेशन जब होता है क्या होता है आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड की रिएक्शन होती है आपके ऑक्सीजन के साथ इस तरह से आपका कंपाउंड होता है यहां पे एमसीपी भी है मतलब क्या होता है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है तो यहाँ पे मेटाक्लोरो लिख रहा हूं फिनाइल रिंग जो होती है यहाँ पे एरोमेटिक लिख रहा हूं मेटा में क्लोरो ग्रुप अटैच है होता क्या है ये पाई इलेक्ट्रॉन से यहां पे अटैक करते हैं यहां से लोन पेर यहां पे अटैक करती है ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है ये डबल बॉन्ड आपका हाइड्रोजन लेता है यहां से और ये यहां पे जो लोन पेयर यहां से अटैक कर रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इसमें क्या बना देता है इसमें बना देता है ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऐसे इप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऐसे ये आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऐसे यहां पे ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऐसे यहां पे क्या हो रहा है ये ऑक्सीजन है यहां पे ये फॉर्म हो रहा है यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है ऐसे यहां पे हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो रहा है और यहां पे आपका एरोमेटिक रिंग एज इट इज इस तरह से बटरफ्लाई ट्रांजिशन से रिएक्शन जाती है बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट से और आपका हो जाता है तो इसमें अगर आपने ध्यान से दिया होगा ध्यान, ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा जो पहली स्टेप मैंने दिखाया आपको यहां पर क्या है डबल बॉन्ड आपका अटैक करेगा ऑक्सीजन पे तो डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पे अगर देखोगे आप तो ये डेल्टा निगेटिव होता है और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है तो इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है आपकी जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रीच करके एक्ट हो रहा है करके एक्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसिस करके आपका पाए बॉन्ड के पे अटैक कर रहे तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ाओगे एल्किन में तो आपके इपोक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी यहां पे क्या बढ़ेगी बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे तो ऑक्सीजन आपके पास ऑक्सीजन के पास क्या है तो इसीलिए आपका आंसर क्या आना चाहिए आंसर आना चाहिए थ्री मैक्सिमम लोगों ने बताया है थ्री आंसर बोलो भाई कोई डाउट है इसमें बोल दो कोई डाउट है क्या ठीक है कोई डाउट नहीं है चले आगे बोलो चले आगे तो ये थर्ड आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो जल्दी से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बताओ जरा जल्दी से एक ही बार लिखा करो फोर्थ आंसर दिया है देखो किसी ने तो अरे आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है पहला लेक्चर किया था कल का जिन्होंने नहीं किया होगा वो फिर देख रहे होंगे सोच रहे होंगे क्या होगा क्या होगा क्या है कंपाउंड द द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन ऑफ देखो आपको हिंट दे दे रहा लिख दे रहा हूं हूं लिख क्या जो लिखा हुआ है वो ये जो लिखा हुआ है ये है आपका स्टाइरिन इसमें ऐड किया इन्होंने एन एन एच थ्री क्या है सोडियम है लिथियम है चलो ठीक है लिथियम है लिथियम एन एच थ्री विथ टर् ब्यूट अल्कोहल ठीक है टर्शरी ब्यूटेनॉल है इसमें पूछा है प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये चार ऑप्शन आपको दिए ठीक है पूछ लिया बट तो इसमें बता दिया है क्या होगा बी होगा सी होगा या डी होगा बी होगा सी होगा या डी होगा बोलो डी बता रहे हैं मैक्सिमम लोग तो देख लेते हैं देखो डी कैसे आ रहा है डी कैसे आता है भाई देखो जरा डी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है डी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट आंसर है देखते देखो क्या है कंपाउंड कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से है, आपका कंपाउंड ए ऐसे ऐसे और आपका यहाँ पे है ठीक है इसको ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे अच्छा नहीं लगता नीचे लिखा हुआ तो ये कंपाउंड है इसमें एने, एने स्त्री अगर एड करोगे एने, एने स्त्री अगर एड करोगे तो आपके कंपाउंड में ये जो आएगा प्रोडक्ट ऐसे आएगा पहले तो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे कुछ था मिथाइल वगैरह ना कोई मिथाइल नहीं तो पहले आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा पहले प्रोडक्ट आ जाएगा ऐसे आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसे तो ऐसा क्यों होगा ऐसा क्यों होगा यहां पे जो डबल बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करके एक्ट होगा तो ऐसा क्यों होगा क्योंकि दोनों ही एसपी टू कार्बन है बट एसपी टू कार्बन में भी जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एसपी टू कार्बन होगा ये ये होगा ये भी एसपी टू है ये भी एसपी टू है बट मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन कौन सा होगा ये होगा आपका एसपी टू कार्बन अब इसमें देखो हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था आपके पास अगर वन थ्री ब्यूटाडाइन होगा इसमें अगर थ्री आप एड करते हो तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है ऐसे तो वही आपको यहां पे अप्लाई करना था वन टू थ्री ब्यूटाडाइन है आपका ऐसे और आपके कंपाउंड में क्या है आपके कंपाउंड में बस यही पूछा है यही पूछा है बोलो भाई तो इसमें क्या करोगे जल्दी से लाइक कर दो भाई जल्दी से लाइक करो लाइक like करो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक like करो इमीडिएटली जल्दी से जल्दी से बताओ तो इसमें क्या होगा ये प्रोडक्ट मिलेगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा ठीक है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से सीखने को मिलेगा तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा क्या है मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन क्या पूछा हुआ है देखो ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है क्वेश्चन देखो डिजाइन कैसे किया है ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया है एरोमेटिक रिंग के साथ टू हंड्रेड डन थैंक यू सो मच बोलो भाई आंसर बता रहे बहुत से लोग ए बता रहे हैं ए बताया जा रहा है यहां पे बहुत से लोगों की तरफ से आ रहा है आंसर ए क्या ए आंसर सही है बताया जाए जा जल्दी से बिल्कुल मैक्सिमम लोगों से आंसर आ रहा है ये तो देखो ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का सीस तो बनने से रहा क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था कंप्लीटली स्टीरियो सिलेक्टिव कंप्लीटली क्या लिखा था वर्ड कंप्लीटली स्टीरियो सिलेक्टिव ओनली ई प्रोडक्ट विल फॉर्म तो जेड तो बनने से रहा ई e बन सकता है ई e बन सकता है सीओ क्या है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तो कॉन्जुकेटेड सी एच टू क्या है सी एच टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो सी एच टू के साथ कॉन्जुकेटेड में आएगा और सीओ टूच EH के साथ नॉन कॉन्जुकेटेड रहेगा तो ये गलत हो जाएगा आपका यहां पे ये यहां पे भी सही है और यहां पे भी सही है तो ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका फर्स्ट क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड दिया देखो दिस जून 2017 का क्वेश्चन है क्लियर विजिबल है विजिबल है बोलो ये विजिबल है बिल्कुल विजिबल है ठीक है, है देखो क्या है एक बार फिर से इसको मार्क कर देता हूं मैं किसी को अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी देखने में नंबर नंबर का प्रॉब्लम होगा तो स्पेशली उन लोगों के लिए जनहित में आपका ऐसे कंपाउंड है इसे कहते हैं क्विनोलिन िन का बर्थ रिडक्शन किया है बताओ प्रोडक्ट क्या होगा बी बताया जा रहा है आंसर सेकेंड आंसर बताया है किसी ने तो निखिल ने बताया है सेकेंड आंसर लाइक करते रहो शेयर करते रहना है आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं पहले आंसर मत देखो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो कमेंट करो आंसर में तो सारे कमेंट करने उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है तो देखो इसमें क्या है इसमें दो टाइप के रिंग आ चुके हैं हमने जो पढ़ा पढ़ा था था पे हमने क्या पढ़ा था? जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग होगी वो क्या होगी पहले रिड्यूस होगी तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस नाइट्रोजन की वजह से क्या हो जाता है माइनस आई इफेक्ट अप्लाई हो जाता है इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटम आ जाता है तो इसलिए ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग होने की वजह से आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट जो मिलता है कुछ इस तरह से मिल, मिलेगा आपके कंपाउंड में जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा कैसे होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग का रिडक्शन होगा आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे ये डबल बॉन्ड ऐसे अब यहां पे अगर देखोगे तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा ये देखो इस रिंग का रिडक्शन नहीं किया है तो ये गलत हो गया इसमें भी इस रिंग का किया है ये भी गलत हो गया इस, इस रिंग का किया है बट ये प्रोडक्ट नहीं है इसमें अगर देखोगे मैच करके तो नहीं दिखेगा आपको दिखेगा कब जब आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लोगे ऐसे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लोगे ऐसे तब आपको मैच होगा कि ये और ये तो सेम है बोलो ये और ये तो सेम है तो तब जाके आपका ये, ये और ये मैच होगा तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर कौन हाई कर रहा है भाई इतने जोर जोर से अगला क्वेश्चन देखो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखो देखो जून एटीन में जून 17 में वो जून एटीन में ये क्वेश्चन पूछा था अब देखो कुछ गरीब लोग क्या करके गए थे बर्च में बर्चरक्षण में देखो समझ के कैसे पढ़ के कैसे गए थे रिडक्शन में जब भी नाइट्रोजन की कोई रिंग आएगी उसको रिड्यूस कर देना है ऐसा बहुत से लोग पढ़ के गए थे पता है इस केस में कैसे करना है नहीं पता यार कैसे करना है अरे जहां पे नाइट्रोजन दिखे उसको रट के गए थे जहां पे नाइट्रोजन दिखे क्योंकि पिछले बार वो क्वेश्चन आया था ना ये क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो अगली बार रट के गए जिस रिंग में नाइट्रोजन होगा उस रिंग को रिड्यूस करना है अगली बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे अब यहां पे क्या होता है यहां पे आपकी नाइट्रोजन में क्या होता है नाइट्रोजन की लोन पेयर क्या करती है, करती है। तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ये है ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है और ये क्या है लेस इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसमें अगर आप देखते हो तो आपके मोर इलेक्ट्रॉन रिच होती है आपकी जो पायरोल की रिंग होती है वो होती है मोर इलेक्ट्रॉन रिच इंडोल कहते हैं इस मॉलिक्यूल को ये जो रिंग है ये क्या है मोर इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये आपकी क्या होगी ये रिड्यूस नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग रिड्यूस होगी तो यहां पे आपका जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो एक्चुअल में ऐसा मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग ये होगी ये क्या है इसके कंपेरिजन में तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिंग ये होगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट अगर ये होगी आपकी तो ये क्या होनी चाहिए ये आपकी रिड्यूस होनी चाहिए तो पहले केस में अगर देखोगे तो पहले केस में बिल्कुल दोनों का रिडक्शन कर दिया बिल्कुल गलत है इसमें इसका कर दिया ये भी गलत है इसमें भी कुछ तो अलग ही करके कर रखा ये भी गलत है इसमें सिर्फ इस रिंग का रिडक्शन होना चाहिए ये क्या होनी चाहिए एज इट इज होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा बिल्कुल करेक्ट होगा तो बिल्कुल भी रटके नहीं जाना है जो आपके कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट टिके रहो बिल्कुल आंसर सही होगा आपका गारंटी से ठीक है भाई तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अरे बोलो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले थ्री करोगे तो क्या हो जाएगा आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से ये डबल बॉन्ड ये थ्री एम सी पी भी है अरे अभी तो बताया यार एम सी पी भी एड करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा इपोक्सीडेशन हो जाएगा ओ सी एस थ्री आपका एज इट इज ये डबल बॉन्ड एज इट इज आपके ऑप्शन पे मैच हो रहे देखो ऑप्शन देखो कहां पे मैच हो रहा है ये गलत ये सही ये सही ये भी सही इसमें करना है इसका किया है ये सही है ये गलत है ये भी गलत है ठीक है अब इनकी तो पोजीशन ही चेंज कर दी इन्होंने तो ये इपोक्सीन कहां करना है आपको ओ एम वाला जो डबल बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे आपको रिएक्शन करनी है तो आपके ये चारों ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए

जी क्या है ये अच्छा देखो बताओ ये बताओ भाई ये बताओ अरे बोलो क्या होगा आपके कंपाउंड में क्या दिया है पहले इसमें देखो सल्फोनेशन जब भी आपको एस टू एस ओपर दिखता है हम सल्फोनेशन के पीछे भाग जाते हैं तो सल्फोनेशन सल्फोनेशन करके रखा है क्योंकि ये याद करके रखते हैं बच्चे इसमें तो पूरा निकाल दिया है तो ये पहले ही काट देता हूं इसका कोई काम ही नहीं है अब देखो पहले केस में क्या होगा पहले केस में ये ये दिया पहले अरे इसका रिडक्शन होगा ना डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप है तो डोनेटिंग ग्रुप में ऐसे बनेगा अब मुझे बताओ कॉन्सनट्रेटेड या आपका जो टेन परसेंट एक्वीएस टेन परसेंट एक्वीएस क्या बोला था एक्वियस एच टू एसोर जब बनेगा जब दिया होगा तब क्या बनेगा तब बनेगा आपका अल्फा बीटा अनसेड कंपाउंड अल्फा बीटा कंपाउंड का एक ही ऑप्शन यहां पे दे रखा है ऑप्शन नंबर फोर्थ एक ही ऑप्शन आपका यहां पे दे रखा है तो ये तो पहले ही काट दिया अरे पहले स्टेप में अगर ये हो गया तो कहां पे होगा एरोमेटिक कंपाउंड का सेल्पोनेशन बिल्कुल नहीं होगा तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये कोई बुक नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्यों भाई क्या हुआ फीबीडी से सारे क्वेश्चन में लिखू अरे इजी है क्वेश्चन बोलो भाई डी इज द करेक्ट आंसर सल्पोनेशन बहुत से लोगों ने किया था देखो फिर भी गलत कर दिया था देखो अगला क्वेश्चन क्या है ओके खत्म तो ये है आपके ऐसे। so, से सो बर्च रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस होंगे या कोई भी अगर आपको डाउट होगा कोई भी चीज में तो आप मुझे पूछ सकते हो ठीक है कोई भी अगर आपके डाउट्स होंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस के लिए मैं आपका वेट कर रहा हूं क्या क्वेश्चन है आपके बताओ नहीं तो फिर क्लास खत्म करेंगे तो बर्चिडक्शन के लिए हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया है आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर कुछ करना होगा मन करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा जितना भी हमने पढ़ा है पूरा रिडक्शन में जितना भी अभी तक कंप्लीट किया है उसमें आपको कोई भी कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजनेशन पढ़ने वाले हैं ठीक है कोई क्वेश्चंस नहीं है खत्म करें सेशंस कोई क्वेश्चन नहीं आपके विटिक रिएक्शन के बारे में बताओ तो ये एक मिनट में नहीं बता सकते अमित चौधरी जी मजा आ गया थैंक यू सो मच एक मिनट में विटिक रिएक्शन विटिक रिएक्शन के लिए दो लेक्चर चाहिए होते हैं मिनिमम पूरा विटिक अगर पढ़ना है तो स्लॉशर्स विटिंग विटिक स्टेबल अनस्टेबल ठीक है रिएक्शन पूरा पढ़ने के लिए उसमें ट्रांजिशन स्टेट कैसे होता है टू प्लस टू एडिशन कैसे होती है उसके लिए हमें पूरा लेक्चर चाहिए होता है एक साथ बताओगे तो एक साथ फिर मैं यही बता दूंगा कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करो डबल बॉन्ड बन जाएगा यही होती है विटिक रिएक्शन ओके okay, डन कोई भी आपके क्वेश्चंस नहीं है थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर वीडियो को लाइक करके जाना है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आप महाराष्ट्र से हो क्या जी मैं महाराष्ट्र से हूं कमेंट सेक्शन में आपको बताना है जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे प्रदीप जोशी जी कमेंट लेक्चर के नीचे कमेंट करनी है ठीक है तो जो भी आपको सेशन कैसे लगा सीरीज कैसी चल रही है आपको टीचिंग कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताए ठीक है पीपीडी कैसे मिलेगा तो आपको यूट्यूब हमारे ऐप में जाना है ऐप में कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन में यूट्यूब स्लाइड्स होंगे वहां पे यूट्यूब कोड लगाना है यूट्यूब कोड लगा के आप वहां से आपके स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन टॉपिक है हमारा उसके बाद हम हाइड्रोजेलिस भी पढ़ेंगे उसमें एंड देन कार्बोनिल ग्रुप को सी एच टू में यानी सीएच टू ग्रुप में कन्वर्ट करना वो रिएक्शन पढ़ेंगे ओके okay. लाइक like करके जाओ शेयर करो सेशन को थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन You In... no